दोस्तों आप सभी का फिर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम हब के इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों बैंकिंग और रेलवे की जो एग्ज़ाम फिलहाल शुरू है उस एग्ज़ाम में इस पर बहुत से क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। अलग अलग टाइप के जो पदार्थ है उसके पीएच पूछे जा रहे हैं। जल का पीएच नाम कितना होता है, जल का पीएच मान दोस्तों आप सभी का फिर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम हब के इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आप सभी को मालूम है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की सबसे बड़ी जो भर्ती शुरू है उसमें अलग अलग तरह के अलग अलग क्षेत्रों में से क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। उनमें पीएच के बारे में भी बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रश्न आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके मिस न हो इसलिए जो अलग अलग पदार्थ है उस सभी के पीएच मान इस वीडियो में हम देखेंगे। तो शुरू करेंगे, जल का पीएच मान कितना होता है तो आप सभी को बताने जा रहा हूँ 7। नमक का पीएच मान कितना होता है 7। रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4। आंसू का पीएच मान कितना होता है 7.4। नींबू का पीएच मान कितना होता है 2.4। सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है अम्लधर्मीय नींबू होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है 6.4। तिरके का पीएच मान कितना होता है 3। शराब का पीएच मान कितना होता है 2.8। मानव लार का पीएच मान कितना होता है 6.5 to 7.5। समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है 8.5। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है 4.8 8.4। पीएच पैमाने का पता किसने लगाया है, सोरेनसन इस डेनिश साइंटिस्ट ने पीएच का शोध लगाया है। उसके बाद किसी व्यक्ति के रक्त में पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है 0.2। दोस्तों ये थे अलग अलग पीएच और बड़े बहुत से एग्ज़ाम में खास करके रेलवे के एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं और इस वीडियो के माध्यम से हमने ये आपके लिए शेयर किए। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर एक बार कीजिएगा। इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छी तरह की इंफॉर्मेशन आप सभी के मोबाइल में आ सके। दोस्तों आप सभी ने ये वीडियो देखा इसलिए आप सभी का थैंक्स।